मुरादाबाद कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्तीय संस्थानों एवं प्राइवेट शिक्षकों की समस्याओं के निवारण के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार की अध्यक्षता में जिला अधिकारी कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कोचिंग संस्थानों को जल्द खोले जाने की अनुमति एवं दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जाएं। पिछले 6 महीने से कोचिंग बंद होने के कारण समस्त शिक्षकों व उनके परिवारों पर भुखमरी की स्थिति पैदा होती जा रही है। यदि कोचिंग जल्द नहीं खोले जाती तो समाज को शिक्षित करने वाला ये वर्ग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। कोचिंग को स्कूल के साथ जोड़कर ना देखा जाए। यदि अधिकतर कोचिंग में छात्र छात्रा ही आते हैं, अतः सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल सकते हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान देकर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। हम लोगों की मांगे ये हैं कि विगत 6 महीने से हमारे कोचिंग संस्थान बिल्कुल नहीं चले हैं, और नहीं चलने की वजह से हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से समस्याएं एक ये है कि जितने भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का किराया मांगा जा रहा है और बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो गया है जो हमारे देने के लिए हम असंभव सा है। दूसरी बात यह है कि सारे जितने भी शिक्षक हैं उनकी रोजी रोटी का सहारा एकमात्र सहारा यही था, और इस सहारे के ख़त्म होने की वजह से लोग भुखमरी के कागार पर गए। बच्चों के लिए और अन्य पूरे परिवार को चलाना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारे लोगों की मांग ये है कि हमारे बारे में सरकार जल्दी से जल्दी सोचे और हम लोगों के शिक्षण संस्थानों को खुलवाने के लिए, हमारी कोचिंग संस्थानों को खुलवाने के लिए एक दिशा निर्देश के तहत हम लोगों को आज्ञा दे, और जिससे हम लोग अपना रोजगार चला सकें। दूसरी बात यह कि हमारे जो बिजली का बिल है हम लोगों के लिए इसमें छूट दिया जाए, माफ़ किया जाए, और मकान मालिकों पर थोड़ा सा शासन की तरफ से दबाव बने जिससे हम कम से कम किराया दे सकें। आप लोग यहाँ किससे मिलने आए हैं? यहाँ हम लोग आज जो है DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं ताकि जो है हमारी मांगों को सरकार और जिलाधिकारी महोदय जी बड़े जो है भावपूर्ण तरीके से समझें। सर, ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ तो जोर दिया जा रहा था, क्या लगता है किस तरह की दिक्कत? ऑनलाइन के लिए कई सारी समस्याएं सभी लोगों के हैं। ये है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे छोटे शिक्षक हैं या जो गली कुचों में पढ़ाते हैं उनके लिए इतना सर्वाइव, इतना महंगा जो है सारी व्यवस्था सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि कोचिंग जो ऑनलाइन माध्यम से जो सब्जेक्ट हैं उनके विषय हैं उनको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। काफ़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासेस चलती हैं और इतने समय तक उन पर मोबाइल पर देख पाना उनके लिए अच्छा नहीं है, और नहीं देख पाते हैं उससे उनकी पूरी शिक्षण कार्य पूरा बाधित हो रहा है उनका। बिल्कुल उनके सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आँखों की रेटिना है, आँखों के तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है उसमें इरिटेट होता है और मानसिक रूप से वो बच्चा आगे चलकर वो बीमार हो जाएगा। तमाम प्रकार की न्यूरो समस्याएं उसके बच्चों के सामने आने वाली समस्याएं उनके सामने पैदा होंगी।